참 좋아하지 않아? 이게? 레디? 레디 레디 Ready? 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 आज मेरा YouTube चैनल भी लॉन्च था, मगर मेरा ब्रांड का भी था, तो वो थोड़ा वी थॉट कि हम थोड़ा स्पेस आउट कर लेते हैं। यूट्यूब चैनल लग गया मैंने, तक का आ जाएगा। इसलिए हमें लगा कुछ ज़्यादा लॉन्च, मुझे लगा कि सेंटर कैमरा फ्रेंड्स लोग को और ज़्यादा करके फैमिली मेम्बर्स को कैमरा लोग कंटेंट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं क्लीन कंटेंट बनाता हूँ। ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, ये चीज़ वही बोलते हैं। और इंशाल्लाह मैं जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा तो मेरा कंटेंट भी कुछ सेम ही रहेगा जो फैमिली को अच्छा लगे। तो मैं क्लीन कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। चैनल एक ही होगा। तो मैंने उनको मेरी मतलब उनकी याद आई तो मैंने उनको कॉल किया। तो सर ने बोले कि मतलब तेरे फ्रेंड्स लोग से भी तो ऐसे ही कनेक्ट है, तो एक काम करते हैं कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं जिससे फ्रेंड्स तुझे याद करें, तू इतना अपडेट देता है फ्रेंड्स लोग को। तो मैंने सोच किया था कि सर फ्रेंड्स पर कुछ करते हैं और डू स्टार्ट करते हैं, तो जो कि अभी तक किसी ने किया नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आस्ते आस्ते रिलीज करेंगे, प्लीज स्टैंड बाय। बिकॉज जैसे फैजू ने कहा था उसकी लाइफ भी कि ब्रांड अभी लॉन्च हुआ है, ब्रांड का पहला प्रोडक्ट ये है, तो आस्ते आस्ते वी विल कीप अनाउंसिंग, बट इसको एक ढंग से करें। इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिली, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। कल रात 11:59 तक ये स्पेशल ऑफर ओपन है, तो फैजू ने ये फैन क्लब भी लॉन्च किया, तो इस ऑफर में कल 12 बजे तक मेंबरशिप 12 बजे तक ये मेंबरशिप कार्ड उनको विद इन 2 वीक्स पहुंच जाएगा। और मेंबरशिप कार्ड के जो सरप्राइजेज हैं, 20 लोग को भी हम सुन रहे हैं जो मीट एंड ग्रीट करेंगे फैजू के साथ। इंडिया में वैसे नहीं, पूरे इंडिया से 20 लोग आएंगे और मेरा उनके साथ में पर्सनली पोर्टफोलियो शूट होगा, तो इनकी फ्लाइट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी शो। रियलिटी शो की बात है तो मुझे आया था दो तीन ऑफर रियलिटी शो का, मगर मुझे हाल फिलहाल अपने फ्रेंड लोग से दूर नहीं रहना है, क्योंकि उन लोगों को जो पसंद है मेरा रेगुलर रखे, तो जो मैं उन्हें देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत पसंद है कि उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और अच्छा इंगेजमेंट मिलता है। मेरे फैन जैसे कि उन्हें ऐसा नहीं, मतलब उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि मैं कुछ स्टॉक में रख के अपलोड करूँ, वो चाहते हैं कि आप डेली जो करते हो वो मुझे दिखाओ। तो मैं जो करता हूँ, मेरा मैं मतलब डेली जो अपलोड करता हूँ वो डेली मैं फोटोज खींचता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ, तो उन्हें वही चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि लाइफ एक रियलिटी शो है, अगर आप देखोगे इस लाइफ इज़ ऑनलाइन सोशल पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, और इसलिए हमने ये जो फैन क्लब लॉन्च किया है इनका, तो उससे डीपर अगर कोई जाना चाहता है जो सुपर फैंस है उनको, वो जो ज़्यादा रियलिटी शो है वो वहाँ पर उनको दिखेगा। तो इसलिए हमने एक स्टेप डीपर गए, जो सबको दिख रहा है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी, उससे ज़्यादा अगर डीप जाना चाहते हैं तो ये फैन क्लब के थ्रू वो जा सकते हैं।
ये सर बोलेंगे तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं फैजू इज़ द नेशनल क्रश, और तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या नाम रहे कि ये इसका जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च है ये वो क्रश है। वैसे भी क्रश एक मतलब जो फ्रेग्रेंसेज हैं जैसे आप देखिए बाकी लोगों के जो एड्स होते हैं इट्स अ लॉट अबाउट इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस, तो क्रश में बहुत अच्छा नाम लगा और कनेक्ट भी था बहुत अच्छा फैजू के साथ। ध्यान देखिए अदनान इतना टैलेंटेड है कि मतलब उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं और ना उसे कुछ सुनने की ज़रूरत है, और हम लोगों को पता है वो जीत गया है और उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री किया है और बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे को पता है कि वो जीत गया है। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं आज अगर अदनान के साथ भी यहाँ पे होता और बाकी मेरे टीम मेम्बर भी है वो भी आ रहे हैं। अभी आप देख लो कि पिछले 3 महीने से फैजू एक्चुअली टिकटॉक पे है नहीं, आपको ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है हर रोज़ फैन मुझे भी पूछते हैं कि आप आईडी कब लाओगे, आप आईडी कब लाओगे वापस, तो ये एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है। जैसा आपको पता है हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, वो उनके हाथ में है, हम उनके साथ डायलॉग में रहते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक फैंस के बारे में बात है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे तो फैजू के साथ कनेक्टेड भी हो, यूट्यूब पे भी हो और ये बढ़ते जाएगा, तो मुझे लगता है इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी हैं। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कनेक्ट कर सकते तो दूसरा प्लेटफॉर्म है। अभी आपने देखा इंस्टाग्राम पे भी म्यूज़िक आ गया, तो बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो वो टैलेंट है वो अभी उसको इंस्टाग्राम पे भी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चलते रहेगा और टैलेंट इन्फ्लुएंसर्स के अंदर है, फैजू जैसे है 307 है और बहुत से दूसरे जो ये न्यू एज टैलेंट है उनके अंदर वो हुनर है। प्लेटफॉर्म इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बट दे कैन मूव बिटवीन प्लेटफॉर्म्स क्वाइट सीमलेसली। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं एक्चुअली, बिल्कुल आप आज देखोगे काफ़ी सारे जो आज दिल्ली में इन्वाइट किए हैं उनके जो दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। बट टुडे इज अबाउट फैजू एंड 207 क्रश। थैंक यू, थैंक यू। I think we'll just, if you guys are here, we'll just do a cake cutting with you with Fajr. Yeah, sure. Yes, yeah. So then, yeah. Shayad, thoda time lag sakta hai, aap, would you prefer to wait? Yeah, yeah, no.